गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आपको पता है हम जब भी बात करते हैं पूरा सेंटेंस बोलते हैं जिसके अगला भी कोई व्यक्ति है वह हमारी बात को पूरा समझ सके, लेकिन हम कम से कम शब्दों में अगर अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं तो वह बात हमारी इफेक्टिव रहती है। जैसे अगर हम किसी को बोले कि वह कविता लिखने वाला है, ठीक है, तो हम उसको यह भी कह सकते हैं कि वह कवि है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब हमने कविता लिखने वाला इसको हमने किस एक शब्द में उसको समाहित कर दिया के कवि। तो ये होते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कि उस वाक्य का सिर्फ एक ही शब्द बना दिया हमने, वो हो गए वाक्यांश के लिए एक शब्द। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो हम जैसे कर लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। पहला हमारा जो सेंटेंस है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। यदि हम बोले कि वह ईश्वर में विश्वास रखने वाला है, हमारा सेंटेंस इतना बड़ा हो गया। लेकिन अगर हम बोले कि वह आस्तिक है, वह आस्तिक है, तो इसका मतलब क्या है, आस्तिक का मतलब क्या होता है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। अगर मैं बोल दूं कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, तो मैं ये भी सिंपल शब्दों में कह सकता हूं कि वह नास्तिक है। क्या है, वह नास्तिक, मतलब ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक कहलाता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा सेंटेंस है, कविता लिखने वाला, ही हम पहले कर चुके हैं। कविता लिखने वाला क्या कौन होता है, वह कवि, ठीक है। उसके बाद नाटक में काम करने वाला, ठीक है। नाटक यानी कोई हम प्ले करते हैं, उसके यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लिखते हैं कि वह अभिनेता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा जो कभी न मरे, ऐसा व्यक्ति जो कभी न मरे, यानी कि उसको हम कहेंगे कि वह अमर है, ठीक है। वैसे इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनकी मृत्यु ना हो, ठीक है। और जो कभी बूढ़ा ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति कभी भी बूढ़ा नहीं होता, हम उसको अजर कहते हैं। और जिसके हृदय में दया हो, यानी कि जो दया रखता हो किसी के प्रति, हम उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, हम ये कह सकते हैं कि वह दयालु है, ठीक है। तो मतलब जिसके हृदय में दया हो उसके लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे, दयालु। प्रतिदिन होने वाला, यानी कि जो काम डेली होता है, हम उसको क्या बोल सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं कि वह दैनिक है, ठीक है। जो हर दिन होता है, जैसे न्यूज़पेपर है, वो हर दिन आता है, तो हम न्यूज़पेपर को कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर एक दैनिक है, ठीक है। सप्ताह में एक बार होने वाला, जो चीजें सप्ताह में एक बार होती है, जैसे कई मैगजीन है, पत्रिकाएं हैं, वो सप्ताह में एक बार पब्लिश होती है, प्रकाशित होती है, तो हम उनको कहेंगे कि यह पत्रिका साप्ताहिक है। जिस प्रकार हमने कहा कि प्रतिदिन होने वाला, यानी कि जो हर दिन होता है, और सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, और जो दो मंथ यानी कि दो महीनों में एक बार होता है उसको हम बोलते हैं द्वैमासिक। क्या बोलते हैं, द्वैमासिक, ठीक है। जो दो महीने में एक बार होता है, जैसे हमारी जो बाल मंथन पत्रिका है वह द्वैमासिक है। क्या नाम है उस पत्रिका का, बाल मंथन, जो कि हर दो महीने के बाद प्रकाशित होती है, और इस महीने की हम जल्द ही आपके सामने वो प्रस्तुत करेंगे बाल मंथन के अंदर, ठीक है। तो अगला है हमारा वर्ष में एक बार होने वाला, यानी कि जो साल में एक बार होता है, जैसे हमारे एग्जाम है वो वर्ष में एक ही बार होते हैं, तो हम उनको कह सकते हैं कि जो हमारी परीक्षाएं हैं वो वार्षिक परीक्षाएं हैं, यानी कि जो पूरे वर्ष में एक बार होती है, ठीक है। जो परीक्षाएं छह महीने में एक बार होती हैं,
हम उनको छमाही भी बोल देते हैं, या जो हमारे तीन महीने होते हैं हम उनको त्रैमासिक बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट ग्राम में रहने वाला। जो व्यक्ति गांव में, ग्राम मतलब गांव में रहता है, हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रामीण। ठीक है, और जो व्यक्ति शहर में रहता है हम उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? शहरी, कि वह शहरी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को अपनी जो बात है उसको हम इफेक्टिव यानी कि प्रभावी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। इसके बाद है हमारा जिसका अंत ना हो, यानी कि उसका खात्मा ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनंत। ठीक है, उसके बाद जिसका प्रारंभ ना हो, किसी चीज का कोई प्रारंभ नहीं हुआ है तो हम उसको बोलते हैं अनादि। ठीक है, उसके बाद जिसकी तुलना ना की जा सके, यानी कि उसकी किसी के साथ कंपैरिजन ना कर किया जा सके, वो होता है अतुलनीय। ठीक है, इसके बाद है हमारा सब जो वाक्य है जिसका कोई आकार ना हो, यानी कि उसकी शेप ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? निराकार। ठीक है, इसके बाद जो अधिक बोलता है, ठीक है, बोलते तो हम हैं लेकिन जो अधिक बोलता है, चुप होने का नाम ही नहीं लेता, उसको हम बोलेंगे कि वह वाचाल है। क्या है? वह वाचाल। ठीक है, उसके बाद जो बिल्कुल ना बोले, यानी कि जो बचपन से ही मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोल ना सके, हम उसको कहेंगे कि वह मूक है। ठीक है, जो अधिक खर्च करे, यानी कि जो खर्चा, यानी कि चीजों पे कुछ खर्च ज्यादा करता है, उसको बोलते हैं हम अपव्ययी। क्या बोलते हैं? अपव्ययी। और जो कम खर्च करे उसको बोलते हैं मितव्ययी। ठीक है, अपव्ययी, मितव्ययी। कम खाने वाला, ठीक है, जो खाते तो हम सब है लेकिन एक थोड़ा थोड़ा सा कोई खाता है, सर थोड़ा सी थोड़ी सी चीज खाता है, रोटी खानी है तो मेरे को तो बस इतनी सी खानी है, दाल खानी है तो मेरे को इतनी सी खानी है, तो हम उसको बोले कि वह अल्पाहारी है। क्या है? वह अल्पाहारी है। आप क्या हैं? आप ज्यादा खाते हैं। ओके, पढ़ने वाला, तो पढ़ने वाला कौन होता है? पढ़ने वाला होता है, उसको बोलते हैं पाठक। क्या बोलते हैं? पाठक। और जो समाचार आदि सुनाने वाला, आपने देखे होंगे न्यूज के अंदर जो समाचार सुनाते हैं, ठीक है, तो या फिर जैसे रेडियो में भी हम सुनते हैं, उनको हम बोलते हैं वाचक। क्या होते हैं वो? वाचक। उसके बाद है जहां जाना कठिन हो, जहां पर जाना मुश्किल है, कठिन है, वो होता है दुर्गम। जैसे हिमालय पर्वत के ऊपर, चोटी के ऊपर चढ़ना दुर्गम है, यानी कि वहां पर नहीं जाया जा सकता। इसके बाद हमारा वाक्य है जिसके माता पिता ना हो, वो कौन होता है? उसको हम क्या कह सकते हैं? कि वह बच्चा अनाथ है। ठीक है, आपने अनाथालय सुना होगा। अनाथालय के अंदर ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते, वो लावारिस होते हैं, उनको फिर उठा के अनाथालय के अंदर पहुंचा दिया जाता है, उनकी पहचान हो जाती है कि इनके माता पिता नहीं है। उसके बाद छात्रों को पढ़ाने वाला कौन होता है? शिक्षक। और छात्रों को पढ़ाने वाली शिक्षिका। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको टीचर बोलते हैं, टीचर शब्द दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, शिक्षक के लिए भी और शिक्षिका के लिए भी। आगे है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कौन होता है? मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को हम क्या बोल सकते हैं? कुम्हार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वह कुम्हार है। बीमार का इलाज करने वाला इंग्लिश में हम बोलते हैं डॉक्टर, और हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं? चिकित्सक। मांस खाने वाला, जो व्यक्ति मांस खाते हैं हम उसको ये कहते हैं कि यह है कि वह मांसाहारी है, और जो मांस नहीं खाता हम उसको बोलते हैं कि वह शाकाहारी है। जो किसी से न डरे, यानी कि किसी से भी न डरे, जो किसी से नहीं डरता, हम उसको बोलेंगे कि वह व्यक्ति निडर है। क्या है? वह निडर है। ठीक है, आप भी निडर बनना, किसी से मत डरना। ठीक है, उसके बाद है घोड़े की सवारी करने वाला, जो घोड़े की सवारी करता है हम उसको बोलते हैं घुड़सवार। ठीक है,
और सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ हर एक के बारे में जानता है, उसको बोलते हैं हम सर्वज्ञ। ठीक है, उसके बाद अंतिम है हमारा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला, दूसरों को दुख या कष्ट पहुंचाने वाला, उसको हम बोलते हैं अत्याचारी। तो इस प्रकार ये हमारे कुछ वाक्यांश हैं, उनके लिए हमने एक शब्द बनाए। तो आप इनको लिखें, आप इनको याद करें और अपने टीचर्स को ग्रुप में सेंड करें। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।